पीले पन्नों से अध्याय दो का चौथा भाग आपने सुना। अब आगे की कहानी सुनने के लिए सुनिए भाग पांच। आपका स्वागत है। पिंड की तरफ बाबा जी की पुकार। अंश अ। जिस घर में मेरा रूम था वो हिमाचल और पंजाब दोनों से जुड़ा था। उसके एक ओर नेशनल हाईवे 44, दूसरी ओर का भाग पंजाब के सुदूर गांवों के लिए जाता था। शाम को कई बार जब मैं छत पर होता तो सड़क पर ऐसे ट्रैक्टर उन गांवों की ओर जाते हुए देखता जिनमें ड्राइवर व बैठने वालों के स्थान को लोहे की चादरों से कवर किया होता था। एक कक्ष सा। वे पंजाब में आतंकवाद के खात्मे के आखिरी अंतिम दिन थे, लेकिन कभी भी कोई अप्रिय दुखद दुर्घटना हो जाती थी। पुलिस उन ट्रैक्टरों में सुदूर पिंडों में रात्रि गश्त या कैंप के लिए जाती थी। स्कूल के कुछ साथियों को पता था कि मैं स्कूल के बाद कहीं भी घूमने निकल जाता हूं, तो उनमें से एक दो ने मुझे उन पिंडों की तरफ शाम को जाने के लिए मना किया हुआ था। आप अब तक मेरे स्वभाव से इतना तो परिचित हो ही गए होंगे कि मैं सदैव उन पिंडों में जाने को उत्सुक रहता था। एक दोपहर संडे को मेरा मन उन पिंडों में घूमकर आने को हुआ। 2 बजे अपराहन लगभग व अप्रैल माह। मकान मालकिन की बिटिया की साइकिल लेकर मैं निकल लिया पंजाब के सर्वाधिक संवेदनशील पिंडों की ओर। पहले पिंड से होकर दूसरे में पहुंचा तो एक स्टूडेंट न्यार पशुओं का चारा मोटरसाइकिल पर लाता हुआ मिला। दोनों आमने सामने रुके। वो चौंक कर बोला, ओए सर जी, इधर कहां आ गए? मैं मुस्कुराया तो बोला, वड्डा डेयर करते हो आप तो, चलो घर चलो हमारे। मैंने कहा, आपके घर के लिए थोड़ी ही इधर आया हूं। उसने मनुहार की, आप घर चलो हमारे, एक बाबा जी से मिलवान दे तो अनु, 100 साल से भी ज्यादा हैं वे। बाबा जी बाबाजियों पर मेरा विश्वास जरा कम ही था, लेकिन सोचा चलो इधर के बाबा जी भी देख लेते हैं। उसके पीछे पहले हम उसके घर पहुंचे। वो एक सिख परिवार था। एक बहुत बड़े आंगन का घर जिसके एक ओर घेर पशुओं को बांधने का स्थान व बैठक। हवा एकदम शुद्ध। घर के सभी पुरुष मिले, वृद्धाएं भी, लेकिन अन्य कमरों से या जहां थीं वहीं से झांकती रहीं। वो एक गिलास में दूध लाया। गिलास का साइज देखकर मैं चकरा गया। हमारे सामान्य गिलास से लगभग 1.5 गुना लंबा। बहुत मुश्किल से कम कराकर मैं दूध पी पाया। अब हमें उन बाबा जी संत या कोई तांत्रिक उस समय तक पता नहीं था कि श्री चरणों में जाना था। पिंड की तरफ बाबा जी की पुकार। अंश ब। स्टूडेंट से मैंने कहा कि बाबा जी के लिए मैं फलादी ले जाना चाहता हूं, तो उसने कहा, या पिंड में तो फल की कोई दुकान नहीं है। उसने ये भी बताया कि बाबा जी किसी से कोई चीज नहीं लेते और रुपए तो किसी भी कीमत पे नहीं। मुझे असमंजस में पड़े देख उसने भीतर से 2 खरबूजे लाकर मुझे दिए और कहा, ये आज सुबह ही प्राजी नगलभूर से लाई थी, एनु दे देना। उसकी भरजाई की गोदी की बिटिया के लिए शगुन के कुछ रुपए व खरबूजों के यथोचित रुपए भिजवाएं, तो वो थोड़ी दूर पर पल्ला कर खड़ी हो गई। घर के एक बुजुर्ग ने कहा, एनु अशीशा दो तुसी, रुपयों दी लोड नी है गुरुजी। क्या मैं उस योग्य था? यथोचित शुभकामनाएं देकर मैंने उन्हें समझाया कि इनकी वजह से ये खरबूजे मिले, तो कुछ उसके नाम के कुछ बच्ची के। बुजुर्ग ने आशीषें दी और हम बाबा जी के लिए घर से निकले। मैंने साइकिल साथ ही रखी, अपने साथ एक कंधे का थैला मैं भ्रमण में उस समय रखता था। उसमें खरबूजे डाल लिए। बाबा जी के निवास से पहले
पैदल चलते हुए स्टूडेंट ने बताया कि वे बाबा जी मेल नहीं फीमेल हैं। मैंने उपहास से कहा, फिर तो बाबी जी हुई वे। स्टूडेंट गंभीर रहा, बोला, उन्हें सब बाबा जी ही बोलते हैं इधर। ले चल रहा हूं आपको, पता नहीं वे बोलेंगे कि नहीं। उसने ये भी बताया कि उसने या किसी पिंड वाले ने बाबा जी को कभी गांव से कहीं और जाते नहीं देखा। वे बस कमरे से बाहर कभी कभी बैठते हैं या कोई बीमार हो तो उसके घर जाकर उसे कोई पाठ सुनाते हैं। हम बाबा जी के ठिकाने पर थे। अब पिंड के लगभग बाहर एक पुराना कमरा, जिसके बाहर एक हैंडपंप, फर्श बाहर से ही कच्चा। हम लोग कमरे के दरवाजे में प्रविष्ट हुए भर ही थे कि एक बड़ी मीठी आवाज में सामने लाल कपड़ों में बैठे वे बाबा जी बोले, आ गए गुड्डू। मैं तनिक सा चौंका, मुझे लगा स्टूडेंट का घर का नाम गुड्डू होगा। मैंने उसकी ओर प्रश्नवाचक देखा, उसने कंधे उचकाए। बाबा जी के प्रति ना मेरा आकर्षण था ना सम्मान, तो मैंने स्टूडेंट से पूछा, क्या आपका नाम गुड्डू है? उसने गंभीरता से कहा, नहीं तो। अब तो मैं जड़ हो गया। गुड्डू मेरा नाम है बचपन का, जो उधर किसी को बताया भी नहीं था। फिर भी पत्रकारिता के जम्स मेरे भीतर थे। मैं इन्वेस्टिगेशन के मूड में आ गया। बाबा जी ने अब दूसरा गोला दागा, आप अभी खाओगे खरबूजे या थोड़ी देर में? स्टूडेंट ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने सोचा हो सकता है बाबा जी के पास अपने खरबूजे हों, तो चालाकी से कहा, अभी। बाबा जी ने कहा, लाइए थैला दीजिए अपना। मेरे सारे फ्यूज उड़ गए। थैला से खरबूजे लेकर बाबा जी उसी कमरे में कपड़ा डालकर किए पार्टीशन के पीछे चले गए। स्टूडेंट बुरी तरह डर चुका था, बोला, सर ये तो आपकी तरफ की बोली बोल रहे हैं आज। तब मुझे ध्यान आया कि मैं तो यार पंजाब के एक पिंड में हूं। स्टूडेंट लघु शंका के लिए उंगली दिखाकर बाहर, मुझे लगा वो भाग गया। बाबा जी खरबूजे काटकर ले आए। अब वे बेहद गंभीर थे और मैं उतना ही सन्न। 5 मिनट बाद वे एक कोने से एक नक्काशी का संदूक लाए, उसमें से एक लाल कपड़े में से कुछ निकाला, फिर बोले, ये रख लो, ये आप तक पहुंचाना था मुझे। वो एक धातु की छोटी प्लेट पर कुछ लिखा यंत्र था, जो उस समय कम रोशनी में मैं पढ़ नहीं पाया, या शायद पढ़ना ही नहीं चाहा मैंने। बाबा जी अब बोले, इसे हमेशा संभाल कर किसी किताब में रखना। यहां भी कितनी लेकर आए हो, कोई भी आपका अहित करेगा तो रोएगा जीवन भर, उसके साथ ही भी रोएंगे हमेशा। इस पर चौंक कर भी कि इन्हें कैसे पता कि एक बैग मैं किताबों से भरा हुआ लाया हूं नगलपुर, मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई। वे अब बोले, ये आखिरी बार मिले हैं हम। फिर उसी संदूक से एक छोटी सी पर्ची निकाली, जिस पर कुछ भी नहीं लिखा था, देकर बोले, आ गए ना मुझसे मिलने, लो ये रखो, जिस दिन ये अपने आप गायब हो जाए समझ लेना। ऊपर की ओर इशारा करके गई। आपने भी ध्यान दिया होगा, इस वाक्य का अंत गई से किया उन्होंने। अब वे बोले या बोली, जाओ सुबह स्कूल जाना है ना। मैं तो चारों खाने चित। मैंने उनके पैर की तरफ हाथ बढ़ाए तो पैर पीछे कर वे बोली, एक बार वो मंत्र मेरे सामने पढ़ दो फिर चले जाना। मैं जानती हूं आप उसे इतनी जल्दी पढ़ोगे ही नहीं। मैंने भी अब प्यार से कहा, आपके लिए जरूर अभी पढ़ता हूं। मैं कितना अभागा था कि उस मंत्र को मैंने 2 बार इस मूड से पढ़ा जिस मूड से मैं एक बाद के एक दूसरी कॉफी या सिगरेट पिया करता था।
उन्होंने एक बार मेरा हाथ पकड़ा और बोली जाओ आज से सिगरेट भी छोड़ देना। मैंने हंसकर कहा वो तो नहीं हो सकता। वो मुस्कुराई और मैं बाहर आ गया। बाहर स्टूडेंट आंखें फाड़े जमीन को देख रहा था। मैंने उसे एक धौल जमाई और कहा मैं निकलता हूं, सुबह स्कूल में मिलते हैं। शाम ढले मैं रूम पर पहुंचा और भोजन के लिए निकलने ही वाला था कि टेलरिंग दीदी ने आवाज दी, सर तुहाडी कोई स्टूडेंट ए खाना दे गई है। लाल कागज में लिपटे 7-8 पतले पतले आलू के पराठे, मेरी पसंद के। दीदी से पूछा कौन थी? वो बोली मैं कदी वेख्या नहीं ओनु, मशीन ते रख के चले गई, पता नहीं किस तरफ। अगले दिन क्लासेस में पूछा, किसी ने हाँ नहीं कहा। फिर पता नहीं चला कि कौन दे गई थी वे। पिंड की तरफ बाबा जी की पुकार, अंश स। लेडी बाबा जी से मुलाकात के बाद उस रात मैं अगली सुबह 2 बजे तक छत पर बैठा रहा। रुड़की से हिमाचल प्रदेश आने तक के सारे संयोग मेरे सामने थे। थे तो वे, और पीछे जाने कहां से थे। 2 बजे जब मैं नीचे आया तो मुझे ध्यान आया कि शाम से मैंने सिगरेट पी ही नहीं। पी क्या, मेरा मन तक नहीं हुआ। सामने सिगरेट की डब्बी रखी थी, वह बैग में एक। मुझे पता नहीं चला कब उन्हें छत से मरोड़ तरोड़ कर मैं पीछे की ओर फेंक आया। लगभग 21 वर्ष हो गए सिगरेट छोड़े या छूटे, मन होता ही नहीं। काफी घर बाहर अभी भी एक के बाद एक थोड़ा रुक रुक कर दूसरी पीता ही हूं। उन बाबा जी की उस पर्ची का क्या हुआ जिसे मुझे देकर बाबा जी ने कहा था जिस दिन ये अपने आप गायब हो जाए समझ लेना मैं गई। उस पर्ची को मैंने एक पुस्तक में रखकर बैग में रख दिया जिसमें अनेक पुस्तकें इसलिए रखी गई थीं कि रूम की सेल्फ पर और रखने की जगह नहीं बची थी। लगभग 7 दिनों बाद सुबह स्कूल जाते ही पता चला कि वे बाबा जी नहीं रहे। वो एक लोकल बाबा जी थे। उनकी महत्ता का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि जिस समय तीसरे पीरियड में ये समाचार स्कूल में आया, शोक सभा कर छुट्टी कर दी गई। स्कूल से रूम तक मैं उस पर्ची के बारे में सोचता हुआ आया। रूम में आते ही बैग से निकालकर वो पुस्तक देखी, पर्ची उसमें नहीं थी। मुझे बाबा जी की अंत्येष्टि में जाने की बहुत इच्छा थी, परंतु लोगों ने मुझे बताया कि लगभग 10 बजे उनकी अंत्येष्टि कर दी गई। टेलरिंग दीदी ने कहा सर जी आप मुझे लेकर चलना कल। अगले दिन दीदी को मैंने कुछ रुपए देकर एक चादर खरीद कर रखने को कहा। स्कूल से आकर मैं दीदी को साइकिल पर पीछे बैठा कर उस पिंड की ओर चला, परंतु हमें पहले पिंड से पूर्व ही पुलिस ने रोक दिया। बताया गया कि बाबा जी के गांव में पीछे से ही कई पिंडों की भारी भीड़ आई हुई है और ऐसे में आतंकवादी वारदात कर सकते हैं, सो हाईवे की तरफ से सबका जाना बंद। एक इंस्पेक्टर जो दीदी व मेरे दोनों के परिचित थे को हमने अपनी अपनी चादरें दे दी। वे उस गांव तक गए। उसके बाद मैंने एक और बार उधर जाने का प्रयास किया, लेकिन आधे रास्ते मुझे स्टोन पेन हुआ जो रूम पर आते ही ठीक हो गया। मैं फिर कभी जा नहीं सका। मेरे डबल ओसी का भी मत है कि हमें उस यंत्र मंत्र के प्रभाव को श्रोताओं को बताना चाहिए। कुछ वर्ष पूर्व एक साक्षात पापात्मा ने खाउपी के संग मिलकर मेरे विरुद्ध अपने कलुषित जीवन का सबसे निकृष्ट गेम खेला। उस पापात्मा का पुत्र उसी वर्ष विदेश में अपनी पत्नी की पिटाई के कारण जेल गया। बाद में सदैव उस पापात्मा को
नेक राह चलने की सलाह देने वाला अर्धांग शरीर के विभिन्न अंग भंग कराते हुए परलोक सिधार गए। आज तक वो डिप्रेशन का इलाज कराती हुई बेघर है। दूसरा, खाऊपी ने मेरे ही घर के सामने के मंदिर में अपने एक गुर्गे के साथ अपनी पत्नी को मेरे विरुद्ध तांत्रिक क्रिया हेतु भेजा। ठीक 21वें दिन वो पत्नी खत्म। क्रिया कराने वाला पंडित आगे पीछे दुर्घटनाग्रस्त। जो गुर्गा साथ आया था उसका पुत्र एक परीक्षा में मुख्य नकल कराने वाले के रूप में गिरफ्तार। व्यक्तिक रूप से मैंने कभी किसी के लिए दुर्भावना नहीं रखी, लेकिन यंत्र देते समय उन बाबा जी के शब्द आज भी अक्षरश याद है मुझे। कोई भी आपका अहित करेगा तो रोएगा जीवन भर, उसके साथ ही भी रोएंगे हमेशा। उक्त जिनकी भी जो हानि हुई उसका इच्छुक मैं बिल्कुल नहीं था। बस यही कहना है, आज भी वो यंत्र एक अनन्य अनुभूति ममत्व की पराकाष्ठा व अभी तक अनेक अनसुलझे प्रश्नों मगर संतुष्टि के साथ मेरे पास है। आर्मी स्कूल से मेरा मन उखड़ने लगा। इसी बीच डलहौजी से एक बोर्डिंग स्कूल में पीजीटी के लिए साक्षात्कार का बुलावा मुझे मिला। ईगो पर चोट। बाबा जी से मिले यंत्र को मैंने पुस्तक में ही रखा। श्रोता ये स्पष्ट समझ लें कि उसे लेकर ना तो मेरी तब कोई सर्वार्थमयी दृष्टि थी, ना आज ही है। छली पापात्माओं के संग जो घटनाएं हुई वे यंत्र मिलने के 22 वर्ष बाद की हैं। ये सही है कि उनका होना बाबा जी ने यंत्र देते हुए जो कहा था उससे पूर्णता जुड़ता है। सच ये भी है कि जो कलुषता छली पाप आत्माओं ने की वैसी उन 22 वर्षों में किसी ने मेरे साथ की भी नहीं। द्रष्टव्य है कि बाबा जी ने उस यंत्र को मात्र पुस्तक रखने को ही कहा था, प्रतिदिन पूजने को नहीं। क्या हम अपने जैविक पिता से कुछ मांगते हैं? बहुत कम। उनके संज्ञान में हमारे बिना कहे हमारी सारी स्थिति होती है। उसी से वे बिन कहे हमारी इच्छा या आवश्यकता को पूर्ण करते हैं। तब जो सबका पिता है, परम पिता परमेश्वर, उससे याचना क्यों? मुझे बस अपने कर्म देखने हैं। ये वे विचार थे जो तब मेरे विचार ही नहीं धारणा का विषय बने और आज तक यही है। मेरा सब कुछ संतोष में चल रहा था। लगभग 2 सप्ताह बाद मुझे देश के अतिशय सुंदर पर्वतीय स्थल डलहौजी जाना था। मैंने सोचा स्कूल में सूचित कर देता हूं गर्मियों की छुट्टी के बाद रिजाइन का। प्रेयर के बाद मैंने प्रिंसिपल को लिखित सूचित किया। वो पढ़कर थोड़ी चुप रही, फिर बोली, सीओ सर को फॉरवर्ड करूंगी, फिर देखते हैं। मैंने उन्हें कहा, मैंने परमिशन के लिए लेटर नहीं दिया है, ये रेजिग्नेशन की पूर्व सूचना है, कहकर मैं कक्षा में आ गया। लंच टाइम में प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और एक्सचेंज को सीओ से कनेक्ट करने को कहा। सीओ ने फोन पर लगभग चिल्लाते हुए कहा, स्कूल के बाद कमांड में मेरे ऑफिस में आकर मिलो। मैं दृढ़ स्वर में एक ही शब्द कहा, नेवर। उसका स्वर फुल ईगो में आ गया, मेरा ऑर्डर है। मुझे हंसी आ गई। हंसते हुए कहा, मिस्टर, आप एक सैनिक से नहीं शिक्षक से बात कर रहे हैं। किसी भी तरह ना मैं आपका मातहत हूं ना आपके ऑर्डर को फॉलो करने को विवश। उसने कॉल काट दी। ये बता देना समीचीन होगा कि सीओ लेवल के आदमी से बात करना ही आर्मी में बड़ी बात मानी जाती है, और मैं तो उसके सर्विस मेड
व सेल्फ मेड दोनों ही ईगो को चैलेंज कर रहा था। उसका ईगो पूरी तरह हर्ट हो चुका था। फिर उधर से उसने कॉल की, प्रिंसिपल ने चोगा मुझे दिया। वो बोला, आपको पता है आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। अब अति हो चुकी थी, समय उसे सही तस्वीर दिखाने का था। मैंने कहा, गलत फहमी में मत रहना, मैं प्री इंफॉर्मेशन लेटर टाइम डालकर रिसीव कर चुका हूं और मेरे सर्विस रूल के अनुसार मैं सही हूं। उसने फिर फोन पटक दिया। फिर उधर से कॉल आई। अब वो प्रिंसिपल से बात कर रहा था। प्रिंसिपल के उत्तरों से मैं उधर से कही गई बातों को पकड़ रहा था। प्रिंसिपल बोल रही थी, जी सर, मैं छुट्टी के बाद रिजल्ट डिक्लेयर कर रिजाइन एक्सेप्ट करने भेज दूंगी। जी जी, मैं समझाती हूँ, वो मिले आपसे। जी, वो तो रिसीव कर चुकी मैं, चोगा रखकर प्रिंसिपल बोली। जाओ ले आओ फोटोकॉपी, मैं सुबह का टाइम डालकर साइन कर देती हूँ। आप समझ गए होंगे कि फोन पर सीईओ को मैंने जो प्री इंफॉर्मेशन रिसीव होने की बात कही थी वो झूठी थी। ये प्रिंसिपल का मुझे सपोर्ट था कि उन्होंने उस बातचीत को समझ मेरे पक्ष को मजबूत करने का मन बना लिया था। प्रिंसिपल ने मुझे ये भी कहा, इसके ऑफिस बिल्कुल मत जाना, स्कूल में इसे कुछ करने मैं दूंगी नहीं। थैंक्स कहकर मैं उनके ऑफिस से बाहर आ गया। उसी दिन स्कूल की छुट्टी के बाद गेट पर मुझे एक युवा मिला, जिससे हुई बात से मुझे ये समझ आ गया कि ईश्वर यदि हमारे साथ है तो एक द्वार बंद होने से पूर्व दूसरे के कपाट हमारे लिए ठीक उसी समय खुलने लगते हैं। यही हमारी कथा का क्रम है और यही है उस परमेश्वर की व्यवस्था। मेरे लिए तो आर्मी स्कूल के गेट अभी भी खुले हुए थे। पीले पन्नों से अध्याय दो का पांचवा भाग यहीं समाप्त होता है। आगे की कहानी के लिए सुनते रहिए भाग 6।